हेलो व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन होगा क्लास थ्री के लिए, वेस्ट बंगाल की बुक है बटरफ्लाई। इसमें से एक लेसन आज हम लोग देख लेते हैं, तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन होगा माय फ्रेंड की यूनिट टू से पार्ट टू। पार्ट वन और आगे की यूनिट सब लोग देख चुके हैं पहले ही, उन वीडियोज़ की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। आइए आज का पैसेज पढ़ते हैं, समझते हैं और एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं। द थ्री विली फ्रेंड वर वेरी एंग्री। तीन चालाक जो दोस्त थे बहुत गुस्से में थे। द क्रो सेड टू द जैकल। कौवे ने जैकल सियार से कहा, द कैमल इज फैट एंड लार्ज। देखो वो ऊंट है, मोटा ताजा है, माने बहुत बड़ा भी है और मोटा भी है। इससे पहले की घटना आपको आगे की वीडियो देखने से पता चल जाएगी। ही कैन बी आवर फूड फॉर अ वीक। अगर उसे मार दिया जाए तो वो एक सप्ताह का भोजन हो सकता है हमारा। ये तीन चालाक दोस्त जो थे प्लानिंग कर रहे। द जैकल एग्रीड। सियार जो था वो राजी हो गया। सो डिड द टाइगर। और टाइगर भी राजी हो गया। देन द क्रो वेंट टू द लायन एंड सेड। तभी कौआ लायन के पास जाता है और कहता है, योर मैजेस्टी महाराज, वी कैन नॉट सी यू डाइंग ऑफ हंगर एंड वीकनेस। हम आपको कमजोरी और भूख से मरते हुए देख नहीं सकते हैं। कितना चालाक है क्रो, देखिए। वी कैन नॉट फाइंड फूड फॉर यू। हम आपके लिए भोजन भी खोज नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ ईट मी। आप दया करके मुझे खा लीजिए। कितना चालाक है कौआ। आगे देखते हैं। द लायन सेड ओह नो। तभी लायन क्या कहता है, नहीं नहीं डियर क्रो, मेरे प्यारे कौवे, यू सर्व्ड मी सो मेनी इयर्स। तुमने तो मेरी सेवा इतने सालों तक की है। आई कैन नॉट ईट यू। मैं तुम्हें नहीं खा सकता। देन द जैकल सेड प्लीज़ ईट मी योर मैजेस्टी। तभी उसके पीछे सियार आ जाता है और वो कहता है, प्लीज़ योर मैजेस्टी महाराजा, मुझे खा लीजिए। बट द लायन रिफ्यूज्ड। लेकिन लायन उसके ऑफर को भी मना कर देता है। ये सब इनकी चालाकी है। देन द टाइगर सेड। उसके बाद टाइगर आता है, बाघ आता है और कहता है, माई लाइफ इज योर। मेरा जीवन आपका है महाराज, प्लीज ईट मी। आप मुझे खा लो। द लायन रिफ्यूज अगेन। लेकिन लायन फिर से मना कर देता है। द फुलिस्ट कैमल थॉट ही शुड मेक द सेम ऑफर। तभी ऊँट को लगता है कि अरे ये तीनों दोस्त तो ऐसे कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। ये तो उसकी मूर्खता थी, वो उनकी चालाकी समझ नहीं पाया। सो ही सेड। तभी वो भी जाकर कहता है, योर मैजेस्टी महाराज, प्लीज़ लेट मी गिव माय लाइफ टू यू। मुझे आज्ञा दे कि मैं अपना जीवन आपके लिए न्यौछावर कर सकूं। कितना मूर्ख है कैमल। द लायन एंड द टाइगर इमिडिएटली पॉन्स्ड ऑन द कैमल। जैसे ही उसने ये बात कही, किसने, कैमल ने, कि मेरा जीवन आपके लिए है, तभी टाइगर और लायन दोनों क्या करते हैं, झपट्टा मारकर उस पर कूद जाते हैं, जैसे शिकार पकड़ते हैं ना उसी तरह। देन द फोर एनिमल हैड अ ग्रैंड मील। और चारों दोस्त मिलकर एक बहुत बड़ा भोज बनाते हैं। कौन चारों दोस्त, लायन, टाइगर, जैकल और क्रो। और बेचारे कैमल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बट द लायन लॉस्ट अ फेथफुल फॉलोअर फॉर एवर। उन्होंने चारों ने मिल के कैमल को खा तो लिया, लेकिन लायन ने एक फेथफुल अनुयायी को हमेशा के लिए क्या किया था, खो दिया था। दुख लग रहा है ना कहानी सुन के। इतना फेथफुल था, इतना आज्ञाकारी था, इतना भोला भाला, लेकिन बेचारा मूर्ख था, अपनी जान गवा बैठा। ये जो स्टोरी है अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ हिटोपादेसा, यही नाम है शायद, उच्चारण अलग हो सकता है, हिटोपादेसा। इन ये एक कहानियों का संग्रह है जिसका नाम है हितोपादेशा। इसमें से इस कहानी को लेकर आपके लिए इस किताब में दिया गया है। आइए एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी 11, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच एनिमल वॉज फैट एंड लार्ज। द कैमल वॉज फैट एंड लार्ज। विच एनिमल वेंट टू द लायन। द क्रो वेंट टू द लायन। वाई डिड द लायन रिफ्यूज टू ईट द क्रो। Because he served the lion so many years. Who pounced on the camel? The lion and the tiger. दोनों झपट्टा मारकर pounced on the camel.
Who were the Willy followers? The crow, the jackal and the tiger were the Willy followers. यही तो थे ना चालाक अनुयायी. इसी के साथ आज की हमारी एक्टिविटी हमारा पैसे यही समाप्त होता है. उम्मीद करती हुए पैसे ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. जिन लोगों को मेरे इन लेसन्स की ज़रूरत है प्लीज़ वीडियो को शेयर करके उन तक पहुँचा दें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.